जमात की ओर से उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के वार्षिक मदरसा इनाम वितरण समारोह के प्रमुख दीव जिला समाहर्ता सम्माननीय श्री हेमंत कुमार साहब, आज के इस कार्यक्रम के अतिथि विशेष दीव नगर परिषद के अध्यक्ष सम्माननीय हितेश भाई सोलंकी, सहायक शिक्षा निदेशक दिलावर मंसूरी साहब। इस कार्यक्रम में मेरे सामने डायस पर उपस्थित शादाते किराम, आलमे दीन, तालमे दीन, इल्म बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माता बहन और खुशी से मेहमान आए हुए मीडिया कर्मी, वार्षिक मदरसा इनाम वितरण कार्यक्रम में आज प्रमुख का स्थान शोभाने के लिए मैं दीव जिला समाहर्ता श्री हेमंत कुमार साहब को विनंती करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अतिथि विशेष का स्थान दीव नगर परिषद के अध्यक्ष हितेश सोलंकी को अतिथि विशेष का स्थान शोभाने के लिए मैं विनंती करता हूं। आज वार्षिक मदरसा इनाम वितरण समारोह में उपस्थित सभी महानुभवों का दीव सुन्नी मुस्लिम जमात की ओर से उनका इस्तकबाल करता हूं। इस कार्यक्रम का मकसद जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, उस बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए इस कार्यक्रम का मकसद रखा गया है। बच्चे पढ़कर अच्छे नागरिक बने और देश की सेवा में वो कार्यरत रहे, ये हमारा मुख्य मकसद है। मजहब इस्लाम में शिक्षा और तालीम के बारे में बताया है कि कोई भी कठिन परिस्थिति भी हो, हर हाल में आपको शिक्षा लेनी है। अगर शिक्षा लेने के लिए आपको चीन जाना पड़े तो भी आप वहां पर जाकर शिक्षा हासिल करें। मतलब कि जो शिक्षा के बारे में इस्लाम में बहुत ही बताया है, उसमें बेटी का भी महत्व बताया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का भी उसमें दीने इस्लाम के अंदर ये बात हमें सालों पहले बताई गई। आज जो बच्चे इनाम लेंगे वो बच्चे तो खुश होंगे, लेकिन साथ में उसके माता पिता का भी सम्मान है, उसके टीचर हो या आलमे दीन हो उसका भी साथ में सम्मान है। ये तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले जो डायस पर हमारे मेहमान आ चुके हैं उनका स्वागत इस्तकबाल गुलदस्ता से करने के लिए मैं सुन्नी मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट गफर भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और हितेश भाई सोलंकी का गुलदस्ते से उनका इस्तकबाल करेंगे। सहायक निर्देशक श्री जनाब मंसूरी साहब का इस्तकबाल करेंगे। तो यहां सभी उपस्थित
लोगों से, माता बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने अपने जगहों पर खड़े रहेंगे और राष्ट्रगान के लिए सब अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। और जब मैं सावधान की पोजीशन की ऑर्डर दूं तभी सब सावधान में रहें, जब तक राष्ट्रगीत पूरा ना हो तब तक सब सावधान में रहे। एक साथ सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल की तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाने तव जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक साथ बैठ जाएंगे, बैठ जाए। अब कार्यक्रम का आगाज करने हम जा रहे हैं। कार्यक्रम का आगाज अल्लाह के पाक कला में पाक की तिलावत से शुरू किया जाएगा। इसके लिए मैं मदरसे के तालिब इल्म मोहम्मद कोनेन और मोहम्मद कासिम को गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आए और कलाम पाक की तिलावत का सब हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا अंदाज में यासीन शरीफ की तिलावत की। हमारा देश में हर धर्म के, हर मजहब के, हर संप्रदाय के, हर भाषा बोलने वाले, हर परिधान में रहने वाले लोग बसते हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जे गान लेकर आ रहे हैं मोहम्मद जिदान और उनके ग्रुप। मोहम्मद जिदान जो अभी यहां पर माइनॉरिटी कॉम्पिटिशन सर्व शिक्षा अभियान में की गई, उसमें वो जोन लेवल ऊपर और जिला कक्षा है उनका पहला दोनों जगह पर पहला नंबर आया है। तो मैं उनको गुजारिश करूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। यूनान में शरूमा सब मिट गए जहां से, यूनान में शरूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। इकबाल को इमारत अपना नहीं जहां में, इकबाल को को दर्द निहा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हर बच्चा युवा और बुजुर्ग हो उसको सबको अपनी माँ प्यारी लगती है। दीन इस्लाम में बताया गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो आज माँ की शान में नाद आपके सामने पेश किया जा रहा है रियान अब्दुल रजा। अस्सलामु अलैकुम। नाज शरीफ शुरू करने से पहले एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े। दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ ओ प्यारी माँ, मेरी माँ ओ प्यारी माँ, मेरी माँ ओ प्यारी माँ। घुट्टी में मुझे मिदहत सरकार मिली है, घुट्टी में मुझे मिदहत सरकार
सरकार मिली है, गुट्टी में मुझे मिदत सरकार मिली है, होठों पे तपी सैयद आलम की सना है, होठों पे तपी सैयद आलम की सना है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, मेरी माँ ओ प्यारी माँ, मेरी माँ ओ प्यारी माँ, मेरी माँ ओ प्यारी माँ, दिन रात ये वीरानों से वीरान थे मेरे, दिन रात ये वीरानों से वीरान थे मेरे, दिन रात ये वीरानों से वीरान थे मेरे, अब गुलशन उम्मीद का हर फूल खिला है, अब गुलशन उम्मीद का हर फूल खिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, मेरी माँ ओ प्यारी माँ, मेरी माँ ओ प्यारी माँ, मेरी माँ ओ प्यारी माँ, सुनने हूँ मैं जिसती हूँ सना कान नबी हूँ, सुनने हूँ मैं जिसती हूँ सना कान नबी हूँ, सुनने हूँ मैं जिसती हूँ सना कान नबी हूँ, क्या क्या मेरी तकदीर में खालिक ने लिखा है, क्या क्या मेरी तकदीर में खालिक ने लिखा है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, मेरी माँ ओ प्यारी माँ, मेरी माँ ओ प्यारी माँ।